अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयर क्रिएटिव व्लॉग्स। आज हम बनाने वाले हैं मेथी सेवई की रेसिपी। ये रेसिपी झटपट से रेडी होती है, बस 5 से 6 मिनट के अंदर ये रेसिपी रेडी होती है। और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है। सिंपल वे में आपको बता दूँगी, चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। मेथी सेवई बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम सेवई, ये मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। और साथ ही इसके साथ हमें लेना है 5 से 6 बादाम, 10 काजू, साथ ही इसके साथ लेना है 20 किशमिश। सेवई को हम क्रश कर लेंगे, इस तरह से तोड़ लेना है। इसे बहुत ही छोटा नहीं, बहुत ही बड़ा ही नहीं, मीडियम साइज में रख लेना है सेवई को, इस तरह से तोड़ के रख लेना है। इसके बाद में हमें एक पैन लेना है, इसके अंदर डाल लेते हैं 2 टेबलस्पून भर के घी। घी अच्छे से गर्म होने तक वेट कर देंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके अंदर डाल देंगे बादाम और काजू। बादाम और काजू को बस 20 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। हल्के से इसका कलर लाइट ब्राउन होनी चाहिए। लाइट ब्राउन हो चुका है, इस बादाम और काजू को निकाल लेते हैं और सेम घी में हम फ्राई कर लेते हैं किशमिश। किशमिश बस आप 5 से 6 सेकेंड्स के लिए फ्राई करते जाइए और इसे भी हल्के हाथों से फ्राई करके निकाल लीजिए। अब सेम घी में अगर आप चाहे तो और थोड़ा घी भी डाल सकते हो, या तो आप इसी घी के अंदर डाल लीजिए सेवई। सेवई को आप रोस्ट कर लीजिए 20 सेकेंड्स तक। 20 सेकेंड्स होने के बाद में हम डाल लेते हैं 3/4 कप शुगर। शुगर को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करते जाइए। शुगर अच्छे से मिक्स करने के बाद में यहाँ पे मैं 1 कप भर के पानी और इसी के अंदर डालूंगी रेड फूड कलर, मिला के डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो केसर येलो फूड कलर भी डाल सकते हो, या तो आपके पास जाफरानी है तो वो भी डाल लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फ्लेम को लो फ्लेम पे रख के 5 मिनट तक पका लीजिए। 5 मिनट हो चुका है, शक्कर और अच्छे से इसमें गल चुका है इस सेवियों में, देखिए। और इसके अंदर थोड़ा पानी बाकी है, इसे हम और 1-2 मिनट पका लेते हैं। साथ ही इसके अंदर डाल लेते हैं काजू, किशमिश, बादाम। इन सभी चीज़ों को डाल के एक बार मिक्स कर लेना है और इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेते हैं। इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है, देखिए ये खिला खिला बन चुका है सेवई की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल में बन जाती है, बस झटपट से 5 से 6 मिनट के अंदर बन जाती है ये सेवई की रेसिपी। अगर आपको कभी कभी मीठा खाने का मन कर रहा है तो तब का जब आप ये रेसिपी को ट्राई करिए, बहुत ही इजी वे में बनती है ये रेसिपी, सेवई की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी ट्राई करिए, अगर पसंद आई तो ज़रूर आयत क्रिएटिव व्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।